एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो तीन काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के करदार पर उंगली उठाने लगता है, और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बहाने करता है। शोहर के माँ बाप की खिदमत बीवी के ज़ुम्मे नहीं, लेकिन अगर बीवी शहादत समझते हुए इनकी खिदमत सर अंजाम देती रहे तो रब की तरफ से बीवी को इतना सिला और अजर मिलता है कि उसकी आने वाली नस्लें तक संवर जाती हैं। मर्द औरतों को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन ये बात समझ जाएंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फिता करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, उसे खोने से बहुत डरता है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है और इसकी जीत हो गई, जबकि ये इसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। शोहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज़्यादा हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लड़की तो नहीं हूँ, मगर हाँ इतना यकीन ज़रूर है कि एक दिन जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो मुस्कुरा पड़ोगे और कह उठोगे कि वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में तीन दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शोहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार होता है। जब शोहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शोहर को दे देती है। औरत को अगर मन पसंद शख्स मिल जाए तो इसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मन पसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी है। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में खावंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खावंद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है।